शुभ सकाळ आज दिनर पंचांग आज श्री श्वेतबराह कल्पर वैवस्वत मन्वंतर द्वितीय परार्ध उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि मंगलवार चुकाब्द 5123 विक्रम संवत 2078 जून मासर 22 तारीख आज दिनटी समस्तंक पै मंगलमय हेउ ईश्वरंक निकटरे विनम्र प्रार्थना। सम्राट विक्रमादित्यंक दरबारे प्रमुख विद्वान थिले कालिदास। असाधारण पांडित्य युक्त कालिदासंकु विक्रमादित्य ढेर सम्मान करुथिले ओ सर्वदा तांक पांडित्यर भूरी भूरी प्रशंसा करुथिले। प्रायतः कालिदास सम्राटक सह अधिकांश समय बिताउथिले। से दिन उद्यानरे सम्राट भ्रमण करुथांती, साथिरे थांती कालिदास। सुंदर पुष्पजीवी मंडित वृक्षलता को मुग्ध आमोदित होई देखुथिबा बेले हटा तांको मन को एक अज प्रश्न आसीथिला। निकटरे थिबा विद्वान प्रवर कालिदास को प्रश्न करिथिले, आपण एते प्रतिभाशाली यशस्वी ज्ञानर दधिची, आपणकर विकल्प नाही, हेले मते आश्चर्य लागुछि आपणकर असाधारण पांडित्य ज्ञान बुद्धि अनुसार भगवान आपणक शरीर को एपरि करिछन्ति काहेकि। सम्राटकर एहि मंतव्य कालिदासक मनरे गभीर रेखापात करिथिले भी प्रतिक्रिया प्रकाश न करि स्वाभाविक रहिथिले। विचक्षण बुद्धि संपन्न कालिदास समय अपेक्षार रहिथिले एहार यथोचित उत्तर देवा निमित्त। एहा भितरे बेस किछि दिन अतिबाहित हो जाय थाए। सम्राट कालिदासक उद्देश्य रे जहा कहिथिले ताहा भूली जाय थांती, किंतु कालिदासकर एहा मने थिला। राजमहल रे से दिन दुहे एकत्र आलोचना करथुबा बेले अवसर देखी कालिदास दुईटी पात्र रे पानी मगाइथिले। गोटिए थिला माटीर पात्र, अन्यटी स्वर्ण निर्मित। पात्र दुईटी सम्मुखरे थुआ हेला। दुहे पूर्ववत आलोचना करथंती। किछि क्षण परे सम्राट कालिदासंकु कहिले, एबे दुईटी जाक पात्र रे पानी स्पर्श करी कोहंतु त केउं पात्र रे जल शीतल। सम्राट स्पर्श करी कहिथिले, माटी पात्र रे जल शीतल। कालिदास हसी हसी कहिथिले, ठीक, जेउं प्रकारे शीतलता पात्रर बाह्य आधार उपरे निर्भरशील नुहे अनुरूप भावरे प्रतिभा पांडित्व केबे भी बाह्य आधार उपरे पर्यवेसित नुहे। शरीरर सुंदरता उपरे एहा कस्मिन काले निर्भर करिनथाए। ज्ञान विद्या बुद्धिर संबंध बाह्य शरीर नुहे अंतरे ही रहिछि। बाह्य सौंदर्य त केवल लोक देखाणिया, अंतः सौंदर्य बिना एहा महाकाल फल सदृश। सुंदर शारीरिक सौष्ठव थाई ज्ञानहीन बुद्धिविद्या विवेकहीन हेले कौन हेब, एहा असार। सम्राट कालिदासंक कथार तात्पर्य उपलब्धि करी निजकु लज्जित मणिथिले।